जब रात होती है तो हम एक दिया जला देते हैं और उसी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए हैं और इन्हीं कहानियों को आपको लेकर आता है। हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हैं सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। और आज सबसे पहले मेरी सुनने वाली समस्त श्रोताओं को हैप्पी विमेंस डे। आज विश्व महिला दिवस था। महिला जो बहन है, बेटी है, माँ है, महिला जो पत्नी है, महिला जो इस मदर नेचर की सबसे अनुपम कृति है, महिला जो इस संसार का सबसे बड़ा दर्द सहकर संतान उत्पन्न करती है, उस महिला के प्रति आज हम सब तहे दिल से शुक्रिया जताएं और इस विश्व महिला दिवस पर समस्त महिलाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज विश्व महिला दिवस के अवसर पर काली की कहानी। काली जो शिवा है, जो शक्ति है, जो शिव के साथ रहती है, जिसके अभाव में शिव सब है, मगर वही काली सृजन भी करती है और संहार भी करती है। बैसाख का महीना था, बंगाली नववर्ष आज ही था। सोचा आज तारानाथ के घर चलकर उन्हें प्रणाम कराए। किशोरी के साथ सवेरे से ही प्रोग्राम तय था, अतः शाम ढले बिल्कुल बंगाली अंदाज में धोती कुर्ता पहने किशोरी महाराज मेरे घर पर उपस्थित थे। अरे तैयार हो भाई? हाँ हाँ, तैयार न होने की क्या बात है। जाते हुए दोनों ने मिठाइयाँ ले ली और एक पासिंग शो सिगरेट ले लिया। दरवाजे पर दस्तक दी तो सामने चारी खड़ी थी। चारी का विवाह हुए 2 साल हो चुके हैं। विश्वास नहीं होता कल की वो छोटी चारी आज 2 साल से गृहस्थी संभाल रही है, बहुत दक्ष हो गई है। बीच बीच में आती है तारानाथ के पास और उस समय तारानाथ की दिल से सेवा करती है। तारी का पति भी बहुत अच्छे स्वभाव का है। गरीब तारानाथ अपनी बेटी को इतनी अच्छी तरह से विवाह दे पाए, ये आश्चर्यजनक है। सच में ही मधुर सुंदरी देवी ने सही वरदान दिया था। जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं होगी, मगर कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। अपने पुराने तख्तपोश पर बैठे तारानाथ हुक्का पी रहे थे। हमें देखते ही बोले, अरे आओ आओ आओ, बैठो बैठो। हम तो बिना बताए तारानाथ के सामने उपस्थित होकर उन्हें आश्चर्यचकित कर देना चाहते थे, मगर उनके चेहरे के भाव बता रहे थे जैसे हमारा आना उन्हें पहले ही पता चल गया था। मगर आज तारानाथ अत्यधिक प्रसन्न थे। किशोरी बोल पड़ा, क्या बात है तारानाथ जी, बहुत प्रसन्न है आज। अरे इतने दिनों से तुम लोग आ नहीं रहे थे, मन बड़ा व्याकुल था। क्या है कि करीब के लोग अगर मिल जाए ना तो बड़ा मन प्रसन्न हो जाता है। चारी के हाथों में हमने मिठाइयां वगैरह दे दी थी। तारानाथ की तरफ पासिंग शो बढ़ाया तो हम थोड़े निराश ही हुए, क्योंकि चारी के आने से आज वो अपने पुराने अंदाज में आ गए थे और हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। हुक्का गुड़गुड़ाते हुए वो हमसे बातें कर रहे थे, मगर मेरा मन तो व्याकुल था कहानी को लेकर। अतः मिठाई आदि खा लेने के बाद मैंने ही कहा, तो तारानाथ जी हो जाए आज एक जोरदार कहानी। तुम लोग नहीं सुधरोगे, मेरे जीवन के अनुभवों को तुम कहानी कहकर ही उड़ा दोगे। खैर पता नहीं क्यों तुम लोगों को कहानी सुनाकर बड़ा अच्छा लगता है। आज मां काली की पूजा की कहानी सुनाता हूं।
मगर साधारण पूजा नहीं, अति भयानक पूजा। ये आज से बहुत साल पहले की घटना है। तब मैं 18-19 साल का रहा होऊंगा। तब तक विशेष शक्तियां वगैरह नहीं मिली थी मुझे, बस थोड़ी बहुत शरीर बंधन, गृह बंधन और तंत्र पूजा वगैरह कर लेता था छोटी मोटी, निकृष्ट अवस्था में, जिसे तुम लोग साधारणतः काला जादू कहते हो। मगर उससे पहले शीतलपुर गांव की बात बताता हूं। ये बात आज से कई युग पहले की कह सकते हैं। तब अंग्रेजों का जोर था भारत में, और ऐसे समय में जमींदारों का भी आतंक था। कई जमींदार तो बड़े अच्छे होते थे, प्रजा की बड़ी देखभाल करते थे, मगर कुछ जमींदार अत्यधिक क्रूर और शैतान किस्म के थे। शीतलपुर गांव के जमींदार राजा रविंद्रनाथ मोहन, कहां तो महान रविंद्रनाथ का नाम, मगर स्वभाव से अत्यधिक शैतान। किसानों से लगान वसूलने में जरा भी दया नहीं दिखाते, अलग अलग तरह की कर लगा लगा के गरीब जनता को परेशान करते, और अगर कोई उनके खिलाफ जाने की कोशिश करता तो गांव के बाहर एक मैदान था, जंगली इलाका, वहीं पर उसे फांसी में लटका देते या जिंदा जला देते, और फिर उसकी लाश को वहीं जमीन में गाड़ देते। यही नहीं, उसके पूरे परिवार और उसके घर को भी नेस्तो नाबूद कर देते थे। प्रजा में हाहाकार था, मगर कोई भी कुछ कह नहीं पाता था, क्योंकि अंग्रेज सरकार को इन्होंने बहुत खुश करके रखा था। अतः ब्रिटिश अधिकारी झांकते भी नहीं थे कि गांव में क्या हो रहा है। मगर कितने दिन इस तरह से अत्याचार चलता। एक दिन जनता बिलबिला उठी और विद्रोह कर दिया जमींदार के खिलाफ। मगर बेचारी जनता न टिक सकी जमींदार के लठैतों और हथियारबंद सैनिकों के सामने, उल्टे उन्हीं का नुकसान हुआ। कई लोग मारे गए, कईयों को सजा के तौर पर वही फांसी और जिंदा जलाने का दर्द सहना पड़ा। शीतलपुर गांव को एक तरह से पूरी तरह नेस्ते नाबूद कर दिया था जमींदार ने। मगर पाप सबका बाप होता है, छोड़ता नहीं। जमींदार को भी अपने अत्याचार और पाप की सजा भुगतनी पड़ी। उनके अपने ही बेटे ने चाकू से गोद गोद कर पिता की हत्या की थी, ताकि वो स्वयं जमींदार बन सके। मगर यहां भी पितृ हत्या का पाप उसे लगा, और आश्चर्यजनक तौर पर निःसंतान रूप में वो और उसकी पत्नी मारे गए। पत्नी को अचानक बुखार हुआ और खून की उल्टियां करते हुए मर गई। पत्नी वियोग में जमींदार का बेटा भी फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया, और इस तरह जमींदार वंश पूरी तरह से नेस्ते नाबूद हो गया। जमींदार की बड़ी सी हवेली खंडहर में बदल गई। फिर समय बीता, वीरान पड़े गांव में धीरे धीरे बसाहट होने लगी। बाहर से लोग आकर वहां रहने लगे, और धीरे धीरे शीतलपुर गांव फिर से आबाद हो गया। मगर कहते हैं अतृप्त आत्माएं कभी भी अपनी जगह से नहीं जाती, और वहां तो हजारों हजार अतृप्त आत्माओं का वास था। इस तरह से उनकी जगह पर लोगों का आकर बसना उन्हें पसंद ना आया। उन्होंने आतंक मचाना शुरू कर दिया। जमींदार की हवेली भी सामान्य न थी, अब वो अभिशप्त हो चुकी थी। गांव वालों का तो ऐसा ही कहना था। मैंने भी ये बात अनुभव की थी, ये आगे बताऊंगा। हवेली
जंगल और खंडहर में बदल चुकी थी। गांव में धीरे धीरे प्रेत आत्माओं का तांडव शुरू हो गया। लोग मरने लगे, अजीब अजीब तरह से लोगों की मौत होने लगी। सबने मान लिया था ये सब काम प्रेत आत्माओं का ही हो सकता है। ऐसे में मेरे घर आकर एक व्यक्ति ने मेरे पिताजी से हाथ जोड़कर प्रार्थना की। वो लोग गांव के लिए सब कुछ कर चुके थे, मैंने भी उस समय एक दो काम किए थे। उनका मानना था मैं ही उनके गांव का उद्धार कर सकता हूं। पिताजी ने भी विशेष आज्ञा देकर मुझे भेजा था कि मैं उस गांव का उद्धार करके ही आऊं। मैं चल पड़ा उनके साथ। गांव वालों से मिलकर जब विशेष बातें पता लगाई तो गांव की स्थिति बहुत बुरी थी। वो वीरान मैदान जहां पर जमींदार ने कई लोगों की हत्याएं कर गाड़ रखा था, वहां से रात को विचित्र विचित्र तरह की आवाजें आती थी। खून, खून दे मुझे खून, अजीब अजीब तरह के हंसने की आवाज। जमींदार की हवेली से भी बहुत भयानक भयानक आवाजें आती। मैदान अब पूरी तरह से जंगल में ढल चुका था और उस जंगल से रात को एक लड़की निकलती है, अप्रतिम सुंदर। घुंघरू की आवाज करते हुए जमींदार की हवेली में चली जाती। कभी कभी जमींदार की हवेली से किसी स्त्री के विलाप करने और रोने की आवाजें आती। गांव का एक लड़का गर्मी के दिन रात को तालाब में नहाने गया था। अगले दिन उसकी अधखाई लाश मिली। गांव वालों को मानना था कोई जानवर इतनी भयानक तरह से लाश को नहीं खा सकता, ये काम किसी प्रेत आत्मा का ही है। अभी मैं बैठकर गांव वालों से इस विषय में बातचीत कर ही रहा था कि गांव के पंडित शशिधर रोते बिलकते मेरे पास आए। महाराज, महाराज थोड़ा मेरे घर चलिए, देखिए ना मेरे भोला को क्या हो गया है। भोला उनका इकलौता लड़का था, करीब 12-13 साल का, बड़ी उल्टी पुल्टी हरकतें कर रहा था। उनका मानना था उसे प्रेत बाधा हुई है। मैं उनके साथ चला गया। घर पहुंचा तो बाहर पंडित की पत्नी बैठे बैठे फूट फूट कर रो रही थी। भीड़ को आते देखकर आंसू पोंछकर मेरे पैरों पर गिर गई। अपने इकलौते बेटे को बचाने की गुहार लगाने लगी। महाराज, कल रात को अचानक उसे अजीब सा बुखार आया, वैद्य को दिखाया, दवा खिलाई पर कोई असर नहीं हुआ, तब से अजीब अजीब हरकतें कर रहा है। मैं ये सब सुन ही रहा था कि घर के अंदर से बर्तन पटकने की आवाजें आने लगी। उनके साथ घर के अंदर प्रविष्ट हुआ तो बालक घर की चीजों को फेंक रहा था। कौन, कौन दो मुझे कौन खून, खून। बालक के गले से अलग तरह की ही आवाज आ रही थी। सुनने से ऐसा लग रहा था बालक एक नहीं कई आत्माओं के प्रकोप में है, जिसमें स्त्री पुरुष दोनों के स्वर सम्मिलित थे। उसकी आंखें खून सी लाल थी। मैं उस समय विशेष शक्ति तो नहीं रखता था, ऐसी भयानक प्रेतात्मा के सामने मैं क्या करता। तभी मन ने कहा मां काली के तंत्रोक्त मंत्र का जाप करने के लिए। मैं एक ध्यान में मंत्र का जाप करने लगा। कुछ देर पश्चात बालक बेहोश होकर गिर गया। होश आने के बाद वो सामान्य था। सिर्फ मंत्र जाप से ही अपने भूत भगा दिया। मैंने तो सुना है प्रेतात्मा को निकालने के लिए बड़े अलग अलग तरह के उपचार करने होते हैं। सही सुना है तुमने, मगर एक बात याद रखना, मंत्रों में बड़ी शक्ति होती है, परंतु मंत्र का उच्चारण सही होना चाहिए और मन एकाग्र चित्त होना चाहिए। हमारे
जपे गए मंत्र सफल होते हैं क्योंकि मंत्र जपते हुए भी हम विभिन्न तरह की चिंताओं में मग्न रहते हैं। मन को अगर पूरी तरह से शांत करके मंत्र जपो तो मंत्र का स्पंदन बड़े से बड़ी अनहोने काम को भी करा सकता है। आश्चर्य है, मैंने कहा। खैर आगे सुनो। मुझे गांव के मुखिया के पास ही ठहराया गया। मुखिया का घर काफी बड़ा था, परिवार छोटा। जिस कमरे में मुझे ठहराया गया वो कमरा काफी समय से खाली ही था। बहुत अच्छे से आओ भगत की मुखिया ने मेरी। रात को जब कमरे में गया तो दिन भर की थकान की वजह से नींद आ रही थी। कमरा थोड़ा सा बंद रहने की वजह से अजीब सा था। पास ही एक खिड़की थी। खिड़की खोलते ही बाहर की स्निग्ध ठंडी हवा कमरे में आने लगी और वातावरण बहुत अच्छा हो गया। मीठी नींद में सो रहा था मैं। अचानक रात में दरवाजे पर दस्तक हुई। महाराज, महाराज। पहले तो ठीक से अनुभव न हुआ। मुझे लगा शायद नींद में मुझे भ्रम हुआ है, परंतु फिर जब आवाज आती रही तो उठना पड़ा। उठा तो मुखिया स्वयं सामने खड़ा था। महाराज। मुखिया एक तरफ उंगली से इशारा कर रहा था। यहां बता दूं, मुखिया का घर गांव के अंतिम हिस्से तरफ था। यहां से एक दो घर बाद जंगल चालू होता था और कुछ ही दूरी पर जमींदार का वो पुराना मकान था। मुखिया उसी की तरफ इशारा कर रहा था। मुझे उसके डर का कारण समझ ना आया, मगर जब कमरे से बाहर निकला तब मुझे समझ में आया। उस खंडहर नुमा घर से अजीब अजीब तरह की हंसी की आवाज आ रही थी और तभी चांद की स्निग्ध रोशनी में मेरा ध्यान गया घर की छत की तरफ, जहां पर कोई खड़ा था। उसने अपना सर तक कंबल से ढका हुआ था, मगर उसकी आंखें जैसे आग सी जल रही थी। मुझे समझ में आ गया, अतृप्त आत्माएं मुक्ति चाहती हैं। मेरे सामने एक ही उपाय था कि तंत्रोक्त यज्ञ करूं। अगले दिन मैंने गांव वालों को इकट्ठा कर उस यज्ञ के विषय में बताया और सभी सामग्री वगैरह इकट्ठा करके यज्ञ शुरू किया। मगर यज्ञ की दो तीन आहुतियां ही दी थी कि अचानक आसपास का वातावरण बदलने लगा। ऐसा लगा जैसे तेज आंधी चल रही है। सब लोग डर के इधर उधर भाग रहे थे, मगर तभी अचानक आश्चर्यजनक बात हुई। भागते हुए कुछ लोगों में से लोग जमीन पर गिर गए। उनके शरीर से जैसे धुआं निकल रहा था और वे मृत्यु को प्राप्त हुए। आसमान में सूरज सिर पर था, मगर प्रेत आत्माओं का तांडव गांव पर चालू हो चुका था। मुझे समझ में आ गया, मेरे यज्ञ से आत्माएं और अधिक कुपित हो गई हैं। फिर दो दिन के अंदर गांव के करीब 20 लोगों की मौत हो गई, पर आत्माओं का तांडव यहीं समाप्त न हुआ। अचानक एक रात तेज बारिश हुई और गांव के पास से बहती नदी का पानी बाढ़ बनकर गांव पर टूट पड़ा। अगली सुबह गांव के किसान सिर पर हाथ रख के फूट फूट कर रो रहे थे। बाढ़ ने उनकी खड़ी फसल खत्म कर दी थी। मैं असहाय सा कुछ समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं। मुझे समझ में आ रहा था मेरे उस यज्ञ की वजह से ही आत्माएं अत्यधिक कुपित हो गई हैं और मैं ही गांव वालों को बचा सकता हूं, मगर कैसे? वो सभी
अतृप्त मृत आत्माएं अत्यधिक शक्तिशाली थी जो दिन के समय भी मृत्यु का तांडव खेल सकती हैं, वो रात के समय क्या करती होंगी और मेरे साथ वो क्या करेंगी। यही सब सोचते हुए एक दिन नदी किनारे बैठा हुआ था। लोग डर के मारे घरों में ही दुबके रहते थे, गांव जैसे सुनसान सा हो गया था। सबको डर लगता था कहीं कहीं उनकी मृत्यु सामने ना हो। मुझ पर अभी तक आक्रमण नहीं हुआ था, शायद शरीर बंधन करके रखने की वजह से ही ऐसा था। इसलिए नदी का किनारा बिल्कुल वीरान था। मैं अकेला बैठे बैठे यही सोच रहा था कि क्या करूं, तभी अचानक एक छोटी सी बच्ची मुझसे कुछ दूरी पर आकर घुटनों के बल बैठ गई। उसने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी, सांवली सी थी, चेहरे पर स्निग्ध हंसी थी। मैं ख्यालों में इतना खोया हुआ था कि मुझे पता ही नहीं चला कि वो कब मेरे पास आकर बैठी। तभी अचानक उसकी खिलखिलाती हंसी ने मेरा ध्यान तोड़ा। अरे कौन हो तुम और इस एकांत में अकेली घूम रही हो, डर नहीं लगता तुम्हें? किस बात का डर? अब गांव वाले तो बहुत डर रहे हैं। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम काली है, मैं अनाथ हूँ, इसलिए जब चाहे जहाँ चाहे इधर उधर घूमती हूँ, मुझे कोई रोकने वाला नहीं है ना। एक बात कहूँ? बोलो। कुछ भी खत्म नहीं हुआ है, कोशिश करोगे तो सब हो सकेगा, बस सही राह खोजो। सही कह रही हो तुम, मगर राह मैं इतना ही कह पाया था क्योंकि मुड़कर देखा तो वहां पर कोई भी ना था। आश्चर्य, मैं चौंका। बच्ची कब आई, कब चली गई? मगर उसकी बातों में दम था। यही सोचकर मैं गांव के लिए उठने ही वाला था कि अचानक मदार के फूलों की माला पड़ी हुई दिखाई दी। आश्चर्य, माला ठीक उसी जगह पड़ी थी जहां पे वो लड़की बैठी थी। मैंने वो माला उठा ली और वापस मुखिया के घर चला आया। उस रात आश्चर्यजनक तौर पर मुझे एक सपना दिखाई दिया। सपने में एक बार फिर से मैं नदी किनारे ही बैठा था और तभी मेरे पास आई वही लड़की काली, मगर इस बार उसकी आवाज बच्चे जैसी नहीं अपितु अत्यंत प्रभावशाली थी। तारा, तुम ही इस गांव को मुक्त कर सकते हो। इस गांव की मुक्ति तभी संभव है जब उन अतृप्त आत्माओं को मुक्ति मिलेगी। मगर मैं क्या करूं, कौन सा समाधान करूं? तारा, तुम्हें पगली काली की उपासना करनी है। पगली काली, ये कैसा नाम है? ये माँ काली का एक अत्यंत भयंकर स्वरूप है। अत्यंत उग्र है उसकी पूजा, परंतु उसकी उग्रता ही इन समस्त तृप्त आत्माओं की उग्रता को शांत कर सकती है। मैं करूंगा, मगर मैं कैसे पूजा करूं, उसके बारे में तो मैं कुछ भी नहीं जानता। और फिर आश्चर्यजनक तौर पर सपने में ही मुझे पूजन की समस्त विधि विधान इत्यादि बताई उसने, और
दिखाया अपना वास्तविक स्वरूप। ओफ, आज भी उस स्वरूप के याद करके मैं कांप उठता हूं। मां काली का अत्यंत उग्र स्वरूप था वो। मां के केश हवा में लहरा रहे थे, चेहरे पर अत्यधिक क्रोध, गले में नरमुंडों की माला, पैर में शिव लेटे हुए। डाकिनी जोगिनी हाथ जोड़कर उनका नमन करती हुई, जय मां काली, जय मां काली, जय मां काली कहते हुए तारानाथ ने तीन बार अपने सिर पर हाथ टिकाया। फिर क्या हुआ? जब आंखें खुली तो खुद को मुखिया के यहां कमरे में पाया, मगर अब मेरे लिए देर करना उचित न था। उठकर मैं कमरे से बाहर जा रहा था और मैंने पाया कि मेरे सिरहाने वही मदार फूल की माला रखी थी और आश्चर्यजनक तौर पर इतनी देर बाद भी वो थोड़ी सी भी नहीं मुरझाई थी। माला हाथ में लिए मैंने गांव वालों को इकट्ठा किया और समस्त बात बताई उन्हें। दो दिन बाद अमावस्या थी, उसी दिन पूजन निश्चित हुआ, परंतु पूजन कोई साधारण पूजन नहीं था। मां की 12 फुट ऊंची प्रतिमा का निर्माण करना था। गांव के रमदू कुम्हार ने ये काम कर तो दिया, परंतु मूर्ति बनाने की विधि कोई साधारण विधि नहीं थी। तीन दिन तक उसे उपवास में रहना था। 12 फुट ऊंची लकड़ी का ढांचा बनाना था, फिर उसमें मिट्टी से मां की प्रतिमा लगानी थी, फिर उसे रंगना था। रंग भी कोई सामान्य रंग नहीं था, लकड़ी का कोयला घिसकर उसके बुरादे को दूध और बेल के रस में घोलकर मूर्ति को रंगना था। मां के केश अत्यंत आश्चर्यजनक तौर से बनाने थे, खजूर के पत्तों को रंगकर उन्हें केश का रूप देना था। मगर रमदू कुम्हार इस परीक्षा में सफल हुआ। उसने ठीक वैसी ही मूर्ति तैयार कर दी जैसे मुझे सपने में निर्देश मिला था, मगर आश्चर्यजनक रूप से मां की प्रतिमा इतनी भयानक थी कि मैं स्वयं भी डर गया था। गांव वालों की हालत तो तुम खुद ही सोच सकते हो। धीरे धीरे वो रात भी आई, पूजन की समस्त तैयारी हुई। गांव के बाहर उस मैदान में ही शामियाना लगाया गया, मां की प्रतिमा स्थापित की गई। पूजन विधि में 6 बकरों की बलि होनी थी। मैं लाल रंग की धोती पहने वहां उपस्थित हुआ। पूजा में उपस्थित समस्त ग्रामीणों को उस दिन उपवास रहना था, मगर पूजक को सुरा और मांस का सेवन करना जरूरी था। मैं भरपेट भोजन किए पंडाल में पहुंचा और फिर गटगटाकर शराब पीने लगा। मैं जैसे अपने आपे में नहीं था, कोई शक्ति थी जो मुझसे सब कुछ करा रही थी। गांव वालों से सुना, उस वक्त मेरी आवाज अत्यधिक भयंकर हो गई थी, आंखें जैसे अंगारों से दहक रही थी। मैंने पूजन प्रारंभ किया, प्राण प्रतिष्ठा आवाहन पूजन इत्यादि होने के पश्चात बकरे की बलि देनी थी। बकरा भी जैसे अपने प्राण बचाने को छटपटा रहा था। एक हृष्ट पुष्ट नवयुवक ने बकरे को पकड़ा। मैंने खड़क हाथ में लेकर मां का नाम लेकर बलि देने के लिए उतरा। चारों ओर शंखनाद और घंटे घड़ियाल बज रहे थे। इतना तेज शोर था कि आपस में किसी को बातें करते हुए नहीं देख रहा था मैं।
परंतु शोर को दबाकर भी बकरे की आवाज पूरे वातावरण में घूम रही थी, जैसे जैसे वो बलि होना ही नहीं चाहता है। माँ का नाम लेकर मैंने एक बार में बकरे की गर्दन अलग कर दी, जय माँ काली। और इसके बाद धीरे धीरे 6 बकरों की बलि हुई, मगर अब शुरू हुई बाधाएं। पहले तो ऐसा लगा जैसे चारों ओर से हवा इसी ओर बही चली आ रही है, तेज आंधी हर तरफ धूल का गुबार उड़ाए चली जा रही थी। मैंने शामियाने के चारों तरफ को अभिमंत्रित कर दिया था, इसलिए अतृप्त आत्माएं शामियाने के बाहर ही उत्पात मचा रही थी। भयभीत गांव वाले एक तरफ खड़े हुए ये सारा कृत्य देख रहे थे। अब बारी थी यज्ञ की, यही सबसे भयानक उपचार था। यज्ञ अगर सफल हो जाता तो मां स्वयं उन दुष्टों का नाश करती, और अगर यज्ञ में थोड़ी सी भी त्रुटि हो जाती तो मेरे साथ समस्त गांव वालों की मृत्यु अवश्यंभावी थी। तेज हवा के बीच मैंने यज्ञ कुंड में लकड़ी सजाकर धीरे धीरे उसमें अग्नि प्रज्वलित की। हवा ऐसी बह रही थी कि किसी भी हद से अग्नि न जल पाए। धीरे धीरे मैं मंत्र पढ़कर आहुतियां देने लगा, और तभी चारों ओर आसमान फाड़कर बिजलियां गरजने लगी। आसमान काले बादलों से भर गया, और सबसे आश्चर्यजनक बात थी मैदान के आसपास से जमीन फोड़कर हजारों हजार कंकाल सड़ी गली लाशें निकल आ रही थी। उनके शरीर में प्राण नहीं थे, मगर कोई शक्ति थी जो उन्हें वहां से बाहर निकालकर शामियाने की तरफ खींच ले आ रही थी। भयानक अट्टहास, भयानक चीखे, सब कुछ से वातावरण गूंज रहा था, मगर आश्चर्यजनक तौर पर शामियाने से कुछ पास पहुंचते ही हमारे चारों ओर अग्नि का एक कोला तैयार हो गया। धू धू कर आग जलने लगी। गर्मी से हम सभी परेशान हो रहे थे। आग अब इतनी ऊपर उठ चुकी थी कि शामियाने को छू रही थी, मगर आश्चर्यजनक रूप से शामियाने को कुछ भी नुकसान नहीं हुआ, और वो सड़ी गली लाशें उस अग्नि कुंड को पार न कर सकी। धीरे धीरे मेरा मंत्र अंतिम दौर पर था। अंतिम आहुति से पहले मैंने फिर से शराब पी। मेरी आंखें सिकुड़कर छोटी हो गई, दहक रही थी। तंत्र में इसे एक विशेष अवस्था कहते हैं, जब साधक इस अवस्था तक पहुंचता है। अंतिम आहुति के पश्चात मैं अनजाने भी भयानक अट्टहास कर उठा था। इसके बाद जैसे मैं किसी बेहोशी से बाहर निकला। आसपास देखा तो मेरे अलावा कोई भी होश में ना था। सभी डर के मारे बेहोश होकर आसपास पड़े हुए थे। तभी आसमान में एक तेज बिजली कड़की। बिजली की उस रोशनी में मां की तरफ देखा तो ऐसा लगा मां की वो प्रतिमा जीवंत हो उठी है। उसकी जीभ से खून गिर रहा था। मां ने हमारी बलि स्वीकार की। उसके बाद अगली सुबह खुशी खुशी लोगों ने मां की प्रतिमा को नदी में विसर्जित किया। फिर मैं उस गांव से आने को हुआ। हालांकि गांव वालों ने बहुत खातिरदारी की, मेरा बहुत सम्मान बढ़ गया था गांव में, क्योंकि उस दिन के बाद से प्रेतात्माओं का उत्पात धीरे धीरे गांव में कम होने लगा था, और एक समय पूरी तरह समाप्त भी हो गया।
मगर तुम लोग तो जानते हो मैं किसी बंधन में नहीं बंधना चाहता, इसलिए गांव में ज्यादा दिन रहना मुझे उचित न लगा। और गांव से आते समय अंतिम बार मैंने देखी थी जमींदार की उस हवेली को, ताश के पत्ते की तरह ढह चुका था वो। तब समझ में आया उस रात को अंतिम बार कड़की बिजली उस घर पर ही गिरी थी। मां की शक्ति ने प्रेत आत्माओं की उत्पात के केंद्र को पूरी तरह से तबाह कर दिया था।